सो फ्रेंड्स ये है रायबरेली जंक्शन। सीट भी अलग अलग है तो देखते हैं कौन हमें मिलते हैं जो हमें ये बताएं। काशी विश्वनाथ और हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है और हमें और वेट करना पड़ेगा गाइस। तो हे फ्रेंड्स आज मैं आपको लेके चलती हूँ रायबरेली जंक्शन। रेलवे स्टेशन इज अ मेन रेलवे स्टेशन इन रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। सो वैसे हर रेलवे स्टेशन का अपना एक कोड होता है जब हम टिकट बुक करते हैं, तो रायबरेली का कोड है RBL। सो फ्रेंड्स लोकेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन रोड इसको बोलते हैं और नियर मनसा देवी टेम्पल जो कि रायबरेली में काफी फेमस है, तो वहीं पे आपका ये रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पड़ता है। और फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन रोड पे नियर बहुत रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, होटल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं रायबरेली रेलवे स्टेशन। हम पहुंच चुके हैं रायबरेली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली के लिए। आपने मेरे बहुत से व्लॉग में देखा होगा रायबरेली, तो आज फिर से आपको दिखाते हैं हम रायबरेली रेलवे स्टेशन। सो फ्रेंड्स ये मैंने आपको दिखाया मेन एंट्रेंस ऑफ रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का। जैसे ही अंदर जाते तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है। डिजिटली यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म नंबर, ट्रेन का डिटेल आ रहा होता है, जो भी ट्रेन आने वाली होती है प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे आपका पूछताछ कार्यालय जो कि इंक्वायरी ऑफिस भी है, यहाँ से भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सिटिंग एरिया है, वॉशरूम है, वाटर फैसिलिटीज है, आराम से बैठिए जब तक आपका ट्रेन है। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ से जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जिट दोनों गेट है, आगे की तरफ पीछे की तरफ, और ग्राउंड फ्लोर पे ही सारा ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। तो गाइस ये इसमें हम देख रहे हो अभी हमारी पद्मावत प्रतापगढ़ से भी स्टार्ट नहीं हुई। प्रतापगढ़ से 6 बजे चलनी थी, हाँ 6:15 चलनी थी और घड़ी में देखो आप 6:15 हो चुके और अभी भी। पद्मावत एक्सप्रेस जो लेके जाएगी हमें दिल्ली, तो मोस्टली रायबरेली से हम जाते हैं पद्मावत एक्सप्रेस होते हुए। और ये था आपके सामने रायबरेली का एंट्रेंस रेलवे स्टेशन का जो हमने आपको दिखाया। अब ले चलते हैं आपको अंदर। हमारी ट्रेन प्रतापगढ़ से 6 बजे चलने वाली थी जो कि अपने टाइम के अनुसार लेट है और हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 7:30 या 8 भी बज सकते हैं। है हजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी। सो फ्रेंड्स हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं। अभी भी हमारी पद्मावत एक्सप्रेस जो रायबरेली से दिल्ली जाएगी 1 घंटा लेट होने के कारण हमें बहुत टाइम मिल गया कि हम वीडियो कैप्चर कर सके। सो फ्रेंड्स फाइनली हमें ये सीट मिली। सीट मिलना में एक बड़ी वो है जी, यहाँ पे इतना रश हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे बैठ गए आराम से अपनी सीट पे और हमारी ट्रेन को आने में अभी 45 मिनट्स अराउंड और लेट चल रही है हमारी ट्रेन। उसको यहाँ पे कितने बजे आना था पद्मावत?
7:30 बजे रायबरेली आना था बट वो प्रतापगढ़ से लेट निकली है तो यहाँ 8 बजे तक पहुँचे और अभी 7 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आई है काशी विश्वनाथ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है, इसके बाद आएगी पद्मावत और ये खुद ही अभी लेट आई है। सो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी पद्मावत आई नहीं है, अभी खड़ी है काशी विश्वनाथ जो जाएगी नई दिल्ली और हमारी है पद्मावत। तो फ्रेंड्स हम अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी पद्मावत एक्सप्रेस आई नहीं है और अभी खड़ी है काशी विश्वनाथ और हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है और हमें और वेट करना पड़ेगा गाइस। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ जिसको 6 बजे रायबरेली पहुंचना था बट अभी भी ये अपने टाइम से 1 घंटा लेट है और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे रायबरेली पहुंची काशी विश्वनाथ और ये भी जाएगी रायबरेली से दिल्ली, बनारस टू दिल्ली है इसका गंतव्य स्थान और ये निकल चुकी है काशी विश्वनाथ रायबरेली से। सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट रुकी है रायबरेली रेलवे स्टेशन पे। एडजस्टमेंट करा रहे हैं हमें मिले हैं भैया तो देखते हैं क्या होता है।